अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र। आज हमारी सचपास राइड का डे टू और आज होने वाली है जबरदस्त राइड। और अभी हम लोगों ने बाइक रेडी कर दी है, लोड कर दी है और कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दी है। थोड़ी सी बाइक गर्म हो जाएगी लॉन्ग राइड से पहले या मॉर्निंग में भी राइड से पहले कोल्ड स्टार्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो बाइक रेडी है, कल की राइड बहुत ज़बरदस्त रही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की राइड और ज़बरदस्त होने वाली क्योंकि आज हमें मिलेंगे फ्लैट रोड प्लस पहाड़ दोनों। तो चलते हैं, आज की राइड शुरू करते हैं। अभी हमें पेट्रोल डलाना है, पेट्रोल टैंक फुल कराएंगे। चाय हम लोग पी चुके हैं और हम लोग रुके थे यहाँ पे होटल स्वागत। वी आर रेडी, तो अब हम लोग चलते हैं। कैब भाई, ऑल सेट? ऑल सेट टू लीव। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बाइक जुड़े रहिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है। जो एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा ना, ये एडवेंचर आपने फ्रॉम बिटवीन मार्च टू सितंबर देखा होगा, मगर ये राइड और ये सचपात, ये एडवेंचर हम करने वाले हैं नवंबर में, जो कि आदमी नहीं सोचता। हाँ, नवंबर में नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, बट हम लोग कर रहे हैं। और सचपास को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड भी कहा जाता है, तो इसलिए एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा है कि देखें भाई वहाँ पे ऐसा क्या है कि लोग वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड्स भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की दिन, आज की जर्नी को। शुरू करते हैं हम लोग अपनी राइड। और सबसे पहले हम लोग चलाएंगे फ्यूल। पेट्रोल पंप होटल के पास नहीं है, यहाँ पे टैंक फुल कराते हैं क्योंकि राइड पे जाने से पहले टैंक फुल हो जाएगा तो बार बार बीच में रुकना नहीं पड़ेगा, इसलिए भाई पहले पेट्रोल डलाएंगे। और टोटल है 422 किलोमीटर, 8 घंटे 31 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप पे। भैया टैंक फुल कर दो, एक बार में डाल दो ना, खोल दो। ये लो भैया, तो पेट्रोल हो गया 630 का। आज का फर्स्ट फिलिंग है, जालंधर पठानकोट होते हुए हम लोग को जाना है चंबा। चले चलो, आ जाओ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगी जालंधर। और यहाँ तक का रोड अच्छा था, आगे भी वो फुली अच्छा ही मिलेगा। एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हिल्स पे मैंने बहुत ज़्यादा राइड नहीं की, और दूसरा फिर सचपास की राइड, सचपास यानी एक्सट्रीम रोड्स कही जाती हैं। कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं नवंबर में, लोग जो करते हैं गर्मियों में करते हैं जिससे वहाँ पर टेम्परेचर कम हो, बट हम लोग जा रहे हैं नवंबर में। डलहौजी में कल बर्फ़ गिरी थी और हम लोग डलहौजी से कहीं आगे जाएंगे, डलहौजी से आगे चंबा जाएंगे, चंबा से आगे जाएंगे सचपास। तो एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा कि पता नहीं वहाँ पे कैसा टेम्परेचर मिलेगा, क्या है। अपनी प्रिपरेशन पूरी है, कपड़े ठीक ठाक रखे हुए हैं सर्दियों से बचने के लिए, प्रॉपर तैयारी की हुई है, बट फिर भी जो मज़ा वहाँ पर आएगा वो अभी आपको बता नहीं सकता, अभी आपको दिखा नहीं सकता। तो देखने के लिए जुड़े रहिए ब्लॉग में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जब ब्लॉग डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो इंस्टा स्टोरी रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जिससे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे, अच्छी अच्छी फ़ोटो देखने को मिलती रहे, अच्छी अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलती रहे और आप भी हमारे साथ इंजॉय कर सकें हमारे सफ़र में, आप भी हमारे हम सफ़र बन सकें।
मंडी गोविंदगढ़ का आ चुके हैं यहाँ पर। और मॉर्निंग से अभी तक हम लोग 130-140 किलोमीटर चला चुके हैं। इसके बाद अब आएगा लुधियाना, पहले अभी लुधियाना कवर करते हैं। अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, पंजाब, पंजाबी शहर, पंजाबी लोग, तो ये प्रॉपर पंजाब। यहाँ से जालंधर है 128 किलोमीटर और उसके बाद पठानकोट, पठानकोट के बाद चंबा। अपने रूट में मेन जो दो सिटी पड़ेंगे वो जालंधर और पठानकोट है, उसके बाद अपन पहुँचेंगे चंबा। तो चलिए चलते हैं। अभी तक का रोड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आप कभी भी आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि रूट रोड सभी कुछ अच्छा है। तो चलिए आगे अपन भी चलते हैं, क्योंकि अभी डिस्टेंस काफ़ी कवर करना है और हम लोगों के पास टाइम है कम। तो फिर स्पीडअप करते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं जालंधर। जालंधर मिलता हूँ आपसे। लुधियाना आ गए हैं, पर वो लिखा लुधियाना अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। टाइम हो रहा है 11:45 यानी 11:45। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मेन पॉइंट पे मिलते हैं। अभी हम लोग आ गए लुधियाना टोल प्लाज़ा पे। तो एक तरफ देखा जाए तो कंप्लीट लुधियाना यहाँ से ख़त्म हो चुका है और बहुत ही लंबा सिटी था यार, बहुत ही लंबा। मतलब रोड अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था और सिटी बहुत लंबा था, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ। उसके बीच से ओवर ब्रिज से हम लोग निकलते हैं और बहुत ही लंबा। जालंधर है 47, अमृतसर 128 और पठानकोट अप्रॉक्स 150 ही होगा। मुझे सिटी को क्रॉस करने में लग गए 10-15 मिनट। ओवर ब्रिज सारे बहुत ही अच्छे थे, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत लंबा सिटी था। बट अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। अब 47 बचा है, उसको पहले कवर करते हैं फिर आपसे आगे मिलते हैं। पठानकोट मेन हाईवे पे, ये है पठानकोट जालंधर हाईवे और सामने ये है डीएवी यूनिवर्सिटी। अभी मैं रोड पे वेट कर रहा था कैब भाई का। एक्चुअली कैब भाई मुझसे आगे थे बट वो हो गए पीछे। कैसे हुए, क्या हुआ, पूरी कहानी अभी बताता हूँ, पहले वहाँ चलते हैं। कहानी ऐसी हुई कि जब जालंधर से 128 किलोमीटर पहले थे तो कैब भाई से मेरी बात हुई थी कि हमने बोला था कि डायरेक्ट जालंधर पे रुके हैं, नाश्ता जालंधर में करेंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कैब भाई थोड़ा आगे और मैं थोड़ा सा पीछे, तो ये थोड़ा सा मुझे दिखना बंद हो गए। तो जब ये दिखना बंद हो गए तो मैंने सोचा थोड़ा स्पीडअप करके देखता हूँ कहाँ पर है। अब मैंने स्पीडअप ऐसा किया कि ये मुझे दिखे नहीं और मैं तेज़ भगाता रहा और ये पीछे ही रह गए थे। ये एक जगह रुक के मेरा वेट कर रहे होंगे और मैंने इन्हें देखा नहीं, मैं भगाता ही रहा। बाद में जाके लगभग 128 किलोमीटर की राइड करने के बाद जब जालंधर क्रॉस कर लिया तब भी नहीं दिखे। मैंने कहा अब इनको ज़रा पूछता हूँ कि कहाँ पे। बट मुझे क्या है कि पहले रुक के पूछना चाहिए, जब फिर फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि ये तो पीछे है। तो फिर उसके बाद रुके हम लोग ने यहाँ पे ढाबे पे खाना वाना खाया, अब राइड के लिए चल दिए हैं चंबा। मैं आपको बता ही चुका हूँ चंबा यहाँ से है 198-199 किलोमीटर है, तक हो जाएगा। पहले हमारा प्लान कर रहे थे हम लोग डलहौजी होके जाने के लिए, बट अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब हम डलहौजी होके नहीं जाएंगे। पठानकोट से एक दूसरा रूट है उसके थ्रू हम लोग जाएंगे और उससे क्या है कि हम डलहौजी को पूरा बाईपास करेंगे और पहुँचेंगे डायरेक्ट चंबा, क्योंकि कल होने वाली है मोस्ट एडवेंचरस राइड यानी कि सचपास की। टैंक फुल कर दो। अभी हम लोग डला रहे हैं दिन का दूसरा पेट्रोल, मॉर्निंग में डलवाया था जब वहाँ होटल से निकले थे और उसके बाद अब डला रहे हैं सेकेंड टाइम। कितना हो गया? ओके, थैंक यू भैया।
भी एक नेट रोड है, बट ठीक है ऑलमोस्ट पंजाब ख़त्म होने वाला है 50 किलोमीटर के बाद, लगभग पंजाब ख़त्म हो जाएगा। और अभी यहाँ पर ट्रैफिक कई जगह मिला है, मतलब ये जो हाईवे जिससे हम लोग जा रहे हैं बेसिकली ये तो GT रोड है। ये क्या है कि पूरा सिटी के बीच से होके जा रहा है, बट सभी जगह पे काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, तो इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखा है पठानकोट 38, जाना अपने को स्ट्रेट, इधर जाएंगे तो गुरदासपुर, इधर जाएंगे तो पठानकोट। ये पहला पहाड़ हम लोग को मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जस्ट अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश एंटर किए और अब आएगा जर्नी का मज़ा। आपको दिखाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि इससे पहले जो हम लोग दिखा रहे थे वो फ्लैट रोड थी, लास्ट के ब्लॉग में भी आपको फ्लैट रोड ही दिखाई थी, तो आज कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छा दिखाने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, शाम हो उससे पहले कुछ अच्छे व्यूज दिखाता हूँ, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है चंबा। चंबा पहुँचते पहुँचते हो सकता है रात हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा व्यू दिखा सकूँ इसलिए दिखा देता हूँ। अब आएगा फुल मज़ा ब्लॉग करने का भी, आपको दिखाने का भी, राइड करने का भी और घूमने का भी। आज हम रात में चंबा में स्टे करेंगे, पठानकोट से चंबा अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पड़ेगा और गूगल मैप पे दिखा रहा है 3 घंटे, 3.5 घंटे की राइड दिखा रहा है वहाँ पर, क्योंकि हिल्स में बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, टाइम लगेगा, तो 100 किलोमीटर के लिए वो दिखा रहा है 3 घंटे 30 मिनट के अप्रॉक्स। पंजाब का बॉर्डर ख़त्म हो चुका, अब हम लोग हैं प्रॉपर हिमाचल प्रदेश में। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये व्यू देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा। रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, बट पहाड़ों की तो ऐसी ही होती है, सब जगह नहीं है, बीच बीच में अच्छी भी मिल रही है। अभी पीछे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आया था, बहुत अच्छे चारों तरफ से ट्री थी, एक वाटर क्रॉसिंग भी निकली थी, छोटी थी काफ़ी, बट मज़ा आया यार बहुत दिनों बाद। अगर आप कभी भी पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ऑफलाइन गूगल मैप ज़रूर डाउनलोड करें। कोल्ड बियर, अरे यार चाय नहीं है, बताओ। पीछे मिल रही है क्या? पीछे मिल रही है चाय, इस पे भी पूछ सकते हैं। ये है ना हर्ष टी स्टॉल, ये पहाड़ों की पहली चाय। मैंने कहा था ना आपसे कि अब मिलूंगा पहाड़ों की पहली चाय के साथ, तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, ऊपर आ गए और यहाँ पर पहली चाय ली है। और हालात देख रहे हो क्या मस्त, मतलब धूल हो रखी है। और अभी जो आगे चंबा है वो है 87 किलोमीटर ना, 87 किलोमीटर, और गूगल मैप पे दिखा रहा है लगभग 3-3.5। अब 3 घंटा अगर गूगल पे दिखा रहा था, हम लोग कैसी होगी, क्या हालत होने वाली है, राइड बहुत खतरनाक होने वाली। हम लोग ने एक लोग से पूछा, वो कह रहे थे ऐसी रोड मिलेगी हर जगह, बिंदास बिना टेंशन के जाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, और मज़ा आया। अब आपको दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू, अंधेरा हो गया है लेकिन थोड़ा सा व्यू अभी दिखाऊंगा, पर बाकी कल तो पूरा एंजॉय करना ही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देख, नेक्स्ट डे कहाँ डे तो हम सचपास होंगे, अगर सब कुछ सही रहा, आपकी दुआएं साथ रही तो सचपास होंगे। चलिए चाय ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। अभी चाय पी के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 5:45, यानी कि लगभग 9 बज जाएगा यहाँ से पहुँचते पहुँचते चंबा। और अभी टोटल हमको जैसे 90 किलोमीटर जाना है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। और प्लान है कि मेन चंबा में ही रुकेंगे, जिससे कि हमें कल आसानी रहेगी। अभी तो शुरुआत है इन सब पहाड़ियों की, असली मज़ा तो कल आएगा। अभी हम लोग हैं चंबा से 52 किलोमीटर पहले और यहाँ पे रुके एक टी ब्रेक के लिए, चाय हो गई है। अभी टोटल यहाँ से है 52 किलोमीटर चंबा। बाइक की लाइट है वो प्रॉपर है, वो तो मैं आपको पहले भी रिव्यू इसका दे चुका हूँ। विनय कुमार, और नंबर है UP78GF, UP78GF जाना चंबा। तो यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, फिर जब बताया कि हम लोग दूर से आए। देखो इतनी पतली रोड है कि एक गाड़ी निकल सकती है यहाँ से, दूसरी गाड़ी जब आ जाएगी तो वो ऐसे रुकेगी, बैक होती है, उसके बाद जगह बनी तब हम लोग निकले। फाइनली अब हम लोग चंपा में आ गए। चंपा में तो एक्चुअली बहुत पहले आ गए थे, लेकिन जो मेन सिटी है चंपा सिटी,
वहां पर अब आए हैं। तो फाइनली अब हम लोग आ गए अपने होटल में, रूम में, और ये रूम लिया है हमने यहाँ पे चंबा में। नीचे से चलने के बाद टोटल 89-90 किलोमीटर था जो कि हमने टोटल हिल्स पे कवर किया है, और मोस्टली पार्ट नाइट में कवर किया है। और मेरा ये फर्स्ट टाइम था हिल एरिया पे इस तरह राइड का, डोमिनार 250 पे। फिलहाल राइड बहुत अच्छी रही, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि टर्न वगैरह पे ही, जो शार्प टर्न, यहाँ पर बहुत सारे शार्प टर्न और एजेस रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, और बाकी तो सब बढ़िया। आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, मज़ा आया राइड करके, काफ़ी मज़ा आया। अब होने वाली है कल सचपास राइड। सचपास यहाँ से है 130 किलोमीटर, तो हम 130 किलोमीटर कवर करेंगे, जाएंगे सचपास देखेंगे, उसके बाद रिटर्न भी आएंगे, और उसके बाद आगे क्या प्लान था वो बाद में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। अभी हमारा डिनर वगैरह हो चुका है, अब टाइम है रेस्ट करने का, रेस्ट करेंगे, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे। अभी कैब भाई से पूछते हैं। हाँ, तो सीन ये है कि भाई 2 दिन की राइड के बाद कल हमारा फाइनल डे है सचपास करने का, और कल समझ में आएगा कि सचपास को लोग सचपास क्यों कहते हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड क्यों है, कल मालूम पड़े। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए सचपास राइड के बारे में, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।